तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज पे। दोस्तों, आज 1 जनवरी है, आज मार्केट फिर खुल गई है और आप देख सकते हो आज सुबह ही मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर बनी हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं, तो इसी तरह का एक स्टॉक है जो कि कंटिन्यूसली अपर सर्किट में ही दिख रहा है, उसको आज हम कवर करेंगे। उसके फंडामेंटल जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नए आए हो दोस्तों हमारे चैनल को, आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों 2023 ईयर में भी आपने हमें बहुत ही सपोर्ट किया है, आपके फीडबैक हमें आता रहता है, आपका रिव्यू हमें आता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने चैनल को ग्रो करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में भी हम यही कामना करते हैं कि आप हमें कंटिन्यूसली फीडबैक प्रोवाइड करते रहोगे और हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहोगे और अपने जो वैल्यूएबल कमेंट है वो हमें जो है वो भेजते रहोगे। दोस्तों, हम यही कामना करते हैं कि नए साल आपके अच्छा आए और आपके जो भी टारगेट्स हैं वो अचीव हों और आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस ईयर आए। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज भी हम एक पेनी स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के एक पैनी स्टॉक की। पहले भी हम इसको कवर कर चुके हैं, अब फिर इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जी हम बात कर लेते हैं अवांस टेक्नोलॉजीज के स्टॉक की। अब इस स्टॉक की जो प्राइस है 0.83 रुपीज है, आप देख सकते हो 83 पैसे का स्टॉक है और इसमें आज फिर 1.22% का अपर सर्कल लग गया है ऑन द 1 जनवरी। तो 5 डेज में देखिए कंटिन्यूसली अपर सर्कल लग रहे हैं, 1 मंथ में भी लीनियर ग्रोथ पैटर्न है, 31% का मोमेंटम है और 6 मंथ में ये स्टॉक 66% के रिटर्न्स जो है बना के दे चुका है। और ईयर टू डेट में देखोगे 1975% के रिटर्न्स हैं। लेकिन दोस्तों हम यही कहेंगे कोई भी स्टॉक हो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, पहले भी इस स्टॉक में इसी तरह की तेजी देखने को मिली थी इन द 2023 ईयर, तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी आई थी। तो यहाँ पे भी इतनी बड़ी तेजी होने के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकती है। तो हम इसका देखेंगे कहाँ तक रैली हो सकती है, इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे कि इसकी जो रैली है कहां तक कंटिन्यू रह सकती है। लॉन्ग टर्म का डाटा देखो, ये स्टॉक 1560% के ही मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के देता दिखाई दे रहा है। अब इसके पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इसकी बैलेंस शीट का डाटा पहले एक बार चेक कर लो, तो आइए आगे बढ़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही अब सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो वैसे वैसे वैल्यूएशन भी बढ़ रही है। यदि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा, जैसे कि आप देख सकते हो उनके रिजल्ट्स सही रहे, उनकी अर्निंग सही रही, उनका फंडामेंटल स्ट्रांग रहा, जो उसके रिजल्ट्स आएंगे बढ़िया रहेंगे, तो ठीक है। यदि कुछ भी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला फिर इन स्टॉक्स में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की हम राय देंगे, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। हाँ, लॉन्ग पोजिशन जो है वो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो, लॉन्ग पोजिशन में आप एवरेज करते रहें, जहाँ कोई भी डिप मिलता है वहां पर बाई करते रहें, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो कभी भी दोस्तों एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। तो आइए सबसे पहले अवांस टेक्नोलॉजी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। पहले इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सितंबर क्वार्टर में कंपनी के जो नतीजे आए थे बहुत ही बढ़िया रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो जून 22 से लेके और मार्च 23 तक कंपनी का जो रेवन्यू था पहले गिर रहा था, लेकिन मार्च 23 ऑनवर्ड्स अब इस कंपनी का रेवन्यू जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और सितंबर में कंपनी का रेवन्यू जो है 16.97 करोड़ आया है। तो एक शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। सिमिलरली प्रॉफिट में भी सिमिलर टाइप का ट्रेंड है। पहले देख सकते हो आप जून 22 से लेके मार्च 23 तक कंपनी जो है वो लॉस में चली गई थी, इसका प्रॉफिट भी गिर रहा था, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही थी, लेकिन उसके बाद देखो कंपनी ने कितनी शानदार रिकवरी की है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है और सितंबर 23 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा जो है वो 69 लाख आया है, नियरली 0.69 लाख आया है। तो ये क्लियरली एक रिकवरी की इंडिकेशन है दोस्तों। यदि कंपनी दिसंबर में भी सेम टाइप की रिकवरी शो कर देती है तो फिर इस स्टॉक में कंटिन्यूसली रैली जो है वो रह सकती है। नेटवर्थ देख लो, नेटवर्थ में भी कंपनी की जो पोजीशन है स्टेबल है। जीरो फाइनेंशियल ईयर 23 में देख सकते हो कंपनी का नेटवर्थ 371 करोड़ है, जबकि 22 में भी सेम टाइप का नेटवर्थ देखने को मिला था। लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी अच्छे ट्रेंड जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हो कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी शानदार है। 2020 में कंपनी को लॉस था 50 करोड़ के अराउंड, 2021 में आप देख सकते हो कंपनी का लॉस नैरो होके 27 करोड़ रह गया, 2022 में कंपनी का 62 लाख का लॉस रह गया, ये 0.62 करोड़ है तो नियरली 62 लाख बनते हैं। उसके बाद देख सकते हो 23 में कंपनी जो है 0.41
करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है, 41 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। तो अब दोस्तों एक इंडिकेशन है कि 24 ईयर में कंपनी फिर प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली अपडेट आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सही है। सितंबर में कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर दिया है, यानी दिसंबर में भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट जो है बना लेती है तो फिर शानदार ट्रेंड जो है वो रह सकते हैं। और देख सकते हो जीरो ऑन जीरो बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी अभी जो दिक्कत चल रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है, 0.68% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जबकि रिटेलर के पास अब 99.32% का स्टेक जो है वो बना हुआ है। तो आइए दोस्तों अब कंपनी का पहले बिजनेस समझ लेते हैं, फिर इसकी वैल्यूएशन भी देखेंगे। जैसे पहले ही बता दिया दोस्तों हमने, अवांस टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है, एक जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है, एंड दिस कंपनी प्रिंसिपल एक्टिविटीज इंक्लूड द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रीसेल्स। कंपनी हार्डवेयर में भी काम करती है, सॉफ्टवेयर में भी कंपनी जो है वो डील करती है, एंड इट्स सर्विसेज इंक्लूड डिजिटल मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल ऐप मार्केटिंग, व्हाट्सएप ई कॉमर्स एंड वैल्यू क्रिएशन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, कंटेंट एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी, दैट इज SEO। तो कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, क्योंकि दोस्तों आजकल मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कंपनी एक मेन बिजनेस जो है वो फोकस करती है, बहुत ही अच्छा कंपनी का बिजनेस है। देन क्लाउड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कंपनी के बिजनेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी शॉर्ट कोड सर्विसेज अलाउज द यूजर्स टू रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम द कस्टमर्स एंड देन परफॉर्म द एक्शंस बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो कंपनी क्या करती है, शॉर्ट कोड सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके साथ के कस्टमर्स के जो मैसेज रिसीव होते हैं उसके बेसिस पे जो है वो एक्शन परफॉर्म होता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है दोस्तों, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है, डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स है, चाहे आप वो फेसबुक देख लो या आप देख लो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, एंड डिफरेंट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस जो है वो निकल कर आ रहा है। अब इसकी वैल्यूएशन वो देख लेते हैं। सबसे अभी दिक्कत रिस्क क्या है दोस्तों, अभी इसकी जो वैल्यूएशन है वो देखने वाली बात है दोस्तों। अभी भी इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 1.88 की है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो है 0.44 की बनती है। मतलब कंपनी अभी भी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, हाफ से भी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब अभी इसकी करंटली मार्केट प्राइस 0.83 की है, तो 1.88 का जो हाफ बनता है वो 0. आप कह सकते हो कि 90 के या 95 के राउंड बनता है। तो अभी भी ये जो स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। तो इसलिए दोस्तों आने वाले टाइम में जो है आपको एक अच्छा मोमेंटम जरूर बनता दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी ROE परसेंटेज जरूर इसकी लो है, 0.24% के राउंड चल रही है, और इस पे आपको जरूर फोकस करना है। कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, ये भी आपको नोट करना है, कंपनी ने कोई भी डेब्ट अभी नहीं ले रखा है, ये एक अच्छी बात जरूर है। तो क्योंकि दोस्तों जब कोई कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी बन जाती है तो इसका मतलब है कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट का बर्डन नहीं है, कोई भी रीपेमेंट का बर्डन नहीं है, और वो कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली एक्सपेंड करती दिखाई दे सकती है। तो इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक मल्टी वैगन निकल कर आ सकती है, जैसे कि देख सकते हो 5 ईयर्स में लॉन्ग टर्म में कितने शानदार रिटर्न्स इसने बना के दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, इसकी पीई वैल्यू थोड़ी जरूर हाई हो चुकी है। प्राइस टू बुक रेशियो सही है, क्योंकि दोस्तों दो तरह की वैल्यूएशन होती है, एक है प्राइस टू बुक रेशियो, दूसरी है कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जरूर अब इसकी हाई हो चुकी है, 186 के अराउंड है, मार्केट कैप 164 करोड़ का है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जरूर हाई है। यदि कंपनी अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव कर लेती है, आने वाले क्वार्टर में कंपनी के नंबर सही आ जाते हैं, तो इसकी पीई मल्टीपल्स भी एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन यदि कंपनी के नंबर थोड़े ढीले रहे तो फिर शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल इस स्टॉक में बन सकता है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा शॉर्ट टर्म में अलर्ट रहे। हाँ, लॉन्ग पोजिशन जरूर इस स्टॉक में आप कंटिन्यू कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि बिजनेस कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। अब इसके बैलेंस शीट देख लो दोस्तों, टोटल एसेट्स 4.35 बिलियन के हैं, टोटल लाइबिलिटीज 634 मिलियंस की है। तो लाइबिलिटीज आर वेरी वेरी लेस देन द एसेट्स, और कैश देखो कंपनी के पास 396 मिलियंस का तो कैश ही है, और कैश और एसेट्स के मुकाबले लाइबिलिटीज आर वेल कवर्ड। तो लाइबिलिटीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, ऊपर से इसकी इक्विटी एंड आउटस्टैंडिंग देख लो, आउटस्टैंडिंग बहुत ही कम है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं।
तो एक पॉजिटिव बैलेंस शीट का डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, आरओई परसेंटेज जरूर लो है, लेकिन प्राइस टू, क्योंकि दोस्तों जो प्राइस टू बुक रेशियो है ये भी डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट की जाती है। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की डेब्ट कंडीशन क्या है, वो सारे पैरामीटर देख के जो है वो प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत अभी लग नहीं रही है, कंपनी की बैलेंस शीट अभी क्वाइट स्ट्रांग है। तो इसलिए दोस्तों आप इस कंपनी के रिजल्ट्स चेक करते रहें। हाँ, इसमें यदि आपने बाई ही करना है, क्योंकि अभी तो अपर सर्कट चल रहा है, जो पहले से ही निवेश करके बैठे हैं वो तो इसमें अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, लेकिन जो आप शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो अभी डिप का वेट कर लो। कभी ना कभी इस स्टॉक में मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो जब मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जब इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, जब इस स्टॉक में थोड़ा डिप मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको हमने यहाँ पे भी रिकमेंड किया था, आपको यहाँ पे रिकमेंड किया था कि अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो आप इसको बाई कर लो, बाई कर लो, बाई कर लो, कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। तो अब इसमें इतनी बड़ी तेजी आने के बाद थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, क्योंकि सर्किट में चल रहा है स्टॉक, तो इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा अलर्ट ही रहना है। यदि आप पहले से ही निवेश करके बैठे हो और शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना के बैठे हो, तो एटलीस्ट अपने कैपिटल जरूर बीच बीच में निकालते रहें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करते रहें, क्योंकि प्रॉफिट वही है जो आप घर लेके आओगे। सो थैंक्स अगेन दोस्तों। अभी भी ये जो स्टॉक है ये ESM लिस्ट 2 में डाल दिया गया है, ये अंडर सर्विलेंस है, तो जो सेबी है वो इस स्टॉक को अभी अंडर सर्विलेंस में कर रही है, क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक हाईली वॉलेटाइल होते हैं वो जो है वो आप कह सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज की रडार पे रहते हैं, और जो सेबी है उसके रडार पे रहते हैं, तो वो सेबी क्या करती है उन पे थोड़ा सर्विलेंस मेजर कर देती है। पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस में ये स्टॉक आपको मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में ही अलर्ट रहें। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ। तो किसी भी स्टॉक में निवेश करना है दोस्तों, आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें और स्टॉक स्पेसिफिक रह के ही निवेश करें। यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे आपको जो है वो अच्छी बिजनेस मिल रही है, वहां पे इन्वेस्ट करें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो, एंड वी विल अपडेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फॉर हैप्पी इन्वेस्टिंग। सो सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स अगेन।